हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, तो आज मैं आप लोग को देने वाला स्टोन ब्लॉक। एंड वंस अगेन गाइस, एक ही मॉड पैक आप लोग एक ही टाइम पे खेल सकते हो पोजाब लॉन्चर पे। तो बाद में मत बोलने कि मेरे दूसरा मॉड पैक कहाँ गया। सो गाइस, ये है स्टोन ब्लॉक। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ग्लिच देखने को मिलेगा। एंड पूरी वीडियो देखते रहिए ताकि आपको भाई बहुत कुछ चीज़ें पता चलने वाला है। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको बस ऑप्शन पे जाना है, वीडियो सेटिंग पे जाना है। एंड इसके बाद थोड़ा नीचे अदर्स पे आना है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा फुल स्किन, इसको ऑन कर देना है। एंड इसके बाद डन 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 एंड बैक टू द गेम। एंड आपकी स्टोन ब्लॉक वापस से सही हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। एंड इसका भाई एक शॉर्टकट प्रोसेस भी है, वो भी दिखा देता हूँ। तो आपको कस्टम कंट्रोल्स पे जाना है एंड यहाँ पे ऐड बटन कर देना है आपको। अभी तो भाई ऊपर आपको एक सेटिंग वाला आइकन दिख रहा है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बटन्स आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, बट मेरे पास ऑलरेडी एक बटन है तो मैं इस F3 को एडिट करने वाला हूँ। इसका कोई काम नहीं है, मैंने गलती से F3 को मैंने ऐड कर दिया। ये डीबग की जैसा ही काम करता है। तो यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ इसका नाम F11। एंड इसके बाद मैपिंग पे आना है। मैपिंग पे आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आपको F11 वाले मैपिंग को सिलेक्ट करना है। एंड देन आपको फिर से सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नाम दे देते हैं अपने कंट्रोल्स की, तो ये जोरो। एंड अब मैं गेम को दोबारा क्विट करके ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। और इस बार मैं अपने खेलने वाले वर्ल्ड पे आने वाला हूँ क्योंकि आपको कुछ दिखाना है। तो ये जो इस वर्ल्ड पे मैं सीरीज़ खेल रहा हूँ तो आपको भाई बढ़िया पसंद आएगा। तो इसकी मैं बहुत सारे एपिसोड लाने के बारे में सोच रहा हूँ, और बहुत सारे से मतलब 10 ही। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ग्लिच दिख रहा होगा, मेरे स्किन पे भी ग्लिच है। एंड नीचे ब्लॉक्स पे भी आपको बहुत सारे ग्लिच दिख रहा होगा, और लिटरली भाई एक्सरे हो चुका है। तो इसे मैं वन क्लिक में सेट करने वाला हूँ। देखो, बस एक ही क्लिक करूँगा पूरा लैग फिक्स हो जाएगा, ग्लिच। देखो सब कुछ फिक्स हो गया वन क्लिक। तो F11 को आप दोबारा जब दबाओगे तो आपके सारे गेम नॉर्मल हो जाएगा, और फिर से दबाओगे तो स्क्रीन छोटा हो जाएगा। तो ये था इसकी इशू। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको गाइस, तो यहाँ पे क्रिएट के जैसे मैसेज भी बनते हैं, बट अगर आप स्टोन ब्लॉक को बस डाउनलोड करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे खेल सकते हो, तो आप इसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। बस नूपरों की तरह बस क्रिएटिव से दो सामान निकाल के हेल्लो हेल्लो खेलोगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो बढ़िया होगा कि आप मेरी सीरीज़ को फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे अमेजिंग चीज़ों को करने वाला हूँ। स्टोन ब्लॉक को मैं बहुत देर तक खेलने की प्लान किया हूँ, तो आप जाके ज़रूर उस सीरीज़ को चेक करना। एंड आई होप ये 4GB 3GB के फ़ोन पे भी काम कर जाए, 2GB का कोई गारंटी नहीं है। और 3GB में भाई बहुत सारे भाई वीक डिवाइस भी आते हैं, तो भाई आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। एंड मुझे पता नहीं कि आपके फ़ोन में वर्क हो रहा है कि नहीं। एंड गाइस, इसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ RS फाइल मैनेजर पे, जिसकी लिंक मैं अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा। एंड बहुत लोगों को भाई ZAchiever पसंद है, बट मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि उसकी UI मुझे गार्बेज लगता है। उल्टा RS फाइल बिल्कुल विंडोज जैसा फील देता है। चलो इंस्टॉलिंग दिखा देता हूँ। तो अब मैं ओपन करने वाला हूँ अपने RS फाइल मैनेजर। इसके बाद एंड्रॉयड पे आऊँगा, इसके बाद डाटा पे आने के बाद आपको यहाँ पे पोजाब लॉन्चर के फोल्डर को ढूंढना है। इसके बाद व्यू के बाद सो हिडन फोल्डर, यहाँ पे माइनक्राफ्ट सिलेक्ट कॉन्फ़िगर मॉड्स स्क्रिप्ट्स एंड स्ट्रक्चराइज। अगर इन चारों में से कोई फोल्डर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इन चारों को सिलेक्ट करो और डिलीट करो। याद है कि ये चारों फोल्डर नहीं होना चाहिए, इन चारों को आपको डिलीट करना होगा। आप चलते हैं स्टोन ब्लॉक की जीप फाइल पे, इस पर बस क्लिक करना है, आपका ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर फिर भी अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मांगे तो जीप भी वर्ड वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उसको सिलेक्ट कर लेना। तो इन चारों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और कॉपी पे क्लिक कर दिया है। एंड अब मैं इन्हें डॉट माइनक्राफ्ट वाले फोल्डर पे डायरेक्ट पेस्ट करने वाला हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैं वेट करने वाला हूँ। मैंने भी सारे फोल्डर यहाँ से डिलीट कर दिया है, तो अब मैं वही खेलने वाला हूँ जो आप लोगों को देने वाला हूँ। ऑलराइट, तो अभी मैं अपनी पोजाब लॉन्चर पे आ चुका हूँ एंड मैं आपको अभी खेल कर दिखाने वाला हूँ। तो ये बिल्कुल वर्किंग वाले है। सो यहाँ पे पहले मैं अपनी वर्ल्ड को जनरेट कर लेता हूँ। एंड अब मैं अपनी वर्ल्ड पे लॉगिन भी हो चुका हूँ, और ये ग्लिच आपको हर बार दिखेगा जब भी आप अपने वर्ल्ड पे आओगे। बट अपने पास सॉल्यूशन है, बस अपने को F11 को एक बार दबाना है तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, सो इजी। एंड गाइस, इसी को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। एंड सारे लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आप जाके वेबसाइट पे जाओगे एंड आपको इन सारी चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। एंड इसके साथ साथ आप इसकी सीरीज़ को चेकआउट करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।